जय हिंद प्यारे दोस्तों। गाइस, आज के वीडियो में हम ये पल्सर का डिजिटल स्पीडोमीटर को रिपेयर करेंगे। ये अपने पास रिपेयर होने के लिए आया है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हो आप लोगों का फेवरेट यूट्यूब चैनल इंजीनियर पवन। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तल चला मग वीडियो शुरू कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों, ये पल्सर का ये डिजिटल मीटर है, तो ये अभी अपने पास रिपेयर होने के लिए आया है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम निकलता है। तो इसको मैं यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। ये इसका मेन सर्किट डिस्प्ले, ठीक है। तो इसको अभी हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, इस वाले पार्ट को निकालने के लिए हमें यहाँ से इसको डिसऑल्डर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले के कुछ पिन आपको दिख जाएंगी, यहाँ पर तो ऐसे डिस्प्ले के पिने हैं, इनको हमें यहाँ पर डिसऑल्डर करके इस वाले डिस्प्ले को, इस वाले पार्ट को हमें यहाँ पर निकालना होता है। देखते हैं इसके अंदर हमें क्या प्रॉब्लम मिलता है। तो पहले हमें इसको डिसऑल्डर करना पड़ेगा। इस नीडल को मैं निकाल लेता हूँ, ओके। इसको ऊपर की साइड में खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। इस पन्नी को भी मैं निकाल लेता हूँ। अभी हमें इसको यहाँ पर डिसऑल्डर करना है। तो ये इसका डिस्प्ले है, इसका डिस्प्ले भी यहाँ पर बहुत ही धुंधला दिखता है। देखिए इसको हमें पहले ऑन करके देखना पड़ेगा। लेकिन गाइस, यहाँ पर इसका ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर में यहाँ पर इसका एक कनेक्टर यहाँ पर टूटा हुआ है, जो कि इसका VCC यानी प्लस पॉजिटिव वोल्टेज का है, जहाँ पर बैटरी का इनपुट जाता है। तो देखिए, अगर हम इस कनेक्टर को यहाँ पर ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल इसके 20 पिनें होती है, 20 पिन्स। तो यहाँ पर पिन नंबर 10 और 12 पॉजिटिव का होता है, जहाँ पर आपका बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज जाता है। पिन नंबर 2 नेगेटिव का होता है, जिसको हम GND या फिर बॉडी अर्थ भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिन नंबर 2 इसका नेगेटिव है। तो देखिए, पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 नंबर का पिन यहाँ पर टूट चुका है। तो इसका पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर जाएगा नहीं, इसलिए हमें इसको यहाँ पर पहले ओपन करना पड़ेगा, फिर हम इसको साफ वगैरह करके ही हम इसको वोल्टेज यहाँ पर इनपुट देंगे। और यहाँ पर पिन नंबर 12 जो है, ये 10 हो गया, फिर इस साइड में 11, 12 यहाँ पर, और पिन नंबर 10 में 12 और 10 में आपको पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, और पिन नंबर 2 में यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, तब जाके मीटर यहाँ पर ऑन होगी। तो इसको मैं पहले डिसऑल्डर कर लेता हूँ। तो चलिए गाइस, अभी मैं आपको इसको यहाँ पर डिसऑल्डर करके दिखाता हूँ। बाकी पिनों को मैंने यहाँ पर डिसऑल्डर कर लिया है, देखिए, ओके। अभी इसको मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा पेस्ट लगाना पड़ेगा, जल्दी से मेल्टिंग होना चाहिए इसीलिए, ठीक है। ये जो है लिक्विड फॉर्म में भी शायद आता है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में भी ये आता है, तो आप लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हम डिसोल्डरिंग पंप का यूज़ करेंगे, इस टाइप का। तो अभी हम जल्दी से इसको डिसऑल्डर यहाँ पर कर लेते हैं। दोस्तों, इसका सोल्डरिंग लगभग मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है, इसको डिसऑल्डर कर दिया है। आप देखिए, इसे चेक कर सकते हो, इसे पिन को हिला के आप चेक कर सकते हो। ये अगर पिन हिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर इसका सोल्डर जो है यहाँ पर निकल चुका है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, ये जो थोड़ा सा पिन यहाँ पर हिल रहा है, ओके, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो पिन हिल रहा है उसका मतलब वहाँ पर इसका सोल्डर जो है ठीक तरह से यहाँ पर निकल चुका है, ओके, इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर इसको ओपन करना है। देखिए, यहाँ पर एक लॉक लगा होता है, इसको मैं ऐसे निकाल देता हूँ, ओके। और यहाँ पर भी एक है, तो इसको भी मैं यहाँ पर, गाइस कुछ जगहों पर इससे ग्लू भी लगा होता है,
तो वहाँ पर आप इसको ग्लू जो है निकाल देना है आपको। यहाँ पर ग्लू लगा था तो मैंने निकाल दिया है। तो गाइस आई थिंक यहाँ पर अभी भी कुछ पिनों को शायद सोल्डर लगा ही है, तो इसको मैं सोल्डर गन की मदद से अभी निकाल देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखिए दोनों इसके दोनों सेक्शन अलग हो चुके हैं। ये इसका डिस्प्ले है, ठीक है, ये डिस्प्ले है और ये इसका मेन इसका पीसीबी है, इसका मेन मदरबोर्ड, ठीक है। अभी जल्दी से हम इसको साफ कर लेते हैं यहाँ पर, फिर हम इसको एक साइड से यहाँ पर टेस्टिंग करना शुरू करेंगे। ओके दोस्तों, इसको साफ करने के लिए आप पेट्रोल का यूज़ कर सकते हो या फिर थिनर वगैरह आपके पास है तो उसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी जल्दी से इसको मैं पूरी तरह से पहले क्लीन कर लेता हूँ, फिर हम इसको टेस्ट करेंगे एक साइड से। तो ये जो है पूरी तरह से यहाँ पर गंदा हो चुका है, इसके अंदर पानी जाने की वजह से, पानी की वजह से ऐसा हुआ है, इसके अंदर ये वाटर डैमेज हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर इसका मेन प्रोग्राम आईसी है और यहाँ पर इसका मेमोरी आईसी है, यहाँ पर कुछ रेगुलेटर भी दिए गए हैं। यहाँ पर अभी हमें वोल्टेज चेक करना है। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसको अच्छे से साफ यहाँ पर कर लिया है और यहाँ पर इसको मैंने ऑन करने की कोशिश की तो यहाँ पर मेरे को एक फॉल्ट मिला। इसमें इसका जो यहाँ पर जो ट्रैक था वो ट्रैक यहाँ पर ख़राब हो चुका था, वाटर डैमेज हो चुका था, तो इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो इसको ये भी ऑन तो हो गया है, अभी मैं आपको ऑन भी करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर इसके पिन के कनेक्शन लिखे होते हैं, देखिए यहाँ पर इसका पिन कनेक्शन लिखा हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है 1, 2, 3 अप टू यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 11 इस साइड में लिखा है 11, 12, तो यहाँ पर 20। ओके तो ऐसा यहाँ पर लिखा है लेकिन ये इसका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसका सही जो पिन है, देखिए अगर आप इसे ऐसे पकड़ते हो इस साइड में तो देखिए आप इसको याद रखिए, ये जो यहाँ पर नॉब है इसको याद रखिए, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो पिन नंबर 1 होगा इसका ये वाला, देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पर ये 10 जो कि ये टूट चुका है यहाँ से, फिर 10 के बाद ये 11 यहाँ से, ठीक है, 11, 12, 13 यहाँ पर ये 20, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको मेजरमेंट कर सकते हो लेकिन यहाँ पर इन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पिन नंबर 1 देखिए यहाँ पर है, इसका मतलब ये अपना पिन नंबर 1 है, जहाँ पर ये 11 लिखा है ये अपना 1 है। तो 1, 2, 3 फिर ये 10, ओके, फिर यहाँ पर 10 के बाद 11, 12, 13 यहाँ पर 20। तो इस प्रकार से इसका पिन यहाँ पर कनेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए पिन नंबर 2 इसका ग्राउंड है, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक वायर को सोल्डर कर दिया है। अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ का जो कनेक्टर है अभी है नहीं, बहुत जल्दी मैं कनेक्टर को भी ढूंढ के लेके आऊँगा, ठीक है। तो पिन नंबर 2 इसका ग्राउंड है इसे ऑपरेटिंग करने के लिए, तो ये ग्राउंड को हमने यहाँ पर एक वायर जोड़ दिया है नेगेटिव ब्लैक वायर। अभी यहाँ पर इसे 2 वोल्टेज देने पड़ेंगे पॉजिटिव VCC। तो यहाँ पर एक इसका 12 वोल्ट बैटरी का डायरेक्ट ले लेता है और एक चाबी ऑन करने पर इसका स्टैंड बाय। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर 2 वोल्टेज हमें यहाँ पर देने पड़ते हैं, एक 10 नंबर पिन में और एक इसका 12 नंबर पिन में, यानी 12 नंबर पिन पर। तो ये 1, 2 तो ये 10 नंबर पिन पर एक वायर हमने लगाया है और सेम यहाँ पर 10 के बाद ये 11, 12 तो 12 पर हमने ये एक लगाया है। तो ये दोनों वायर को हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि दोनों को VCC देने के बाद ही अपना मीटर यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये रेगुलेटर यहाँ पर लगा है, ये 5 वोल्ट बनाता है। यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं और ये इसका मेन IC है, यहाँ पर इसका मेमोरी IC है, यहाँ पर इसके बैक लाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखेंगे इसमें क्या क्या फॉल्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। गाइस यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मैंने जम्पर लगा दिया है, एक तार को मैंने यहाँ पर सोल्डर कर दिया है क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन में प्रॉब्लम था। यहीं पर वो इसका जो ट्रैक है वो वाटर की वजह से यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर गल चुका था, वाटर डैमेज यहाँ पर हो चुका था, तो इसीलिए मैंने एक तार को यहाँ पर सोल्डर कर दिया है इस 10 नंबर पिन से यहाँ पर।
ओके, ये सप्लाई कहाँ पर जाता है? यहाँ पर, ये ट्रांजिस्टर के इस वाले पिन पर, यानी सेंटर की पिन, ये पीछे टैप के साथ में कनेक्टेड रहता है। तो ये कनेक्शन जो है गाइस, इसको जब मैंने यहाँ पर ट्रेस किया तो ये कनेक्शन ऐसे होते हुए इस रजिस्टर के नीचे से एक ट्रैक यहाँ पर गया हुआ है। ये जो पिन है यहाँ से ऐसे होते हुए इस रजिस्टर के नीचे से यहाँ पर ऐसे ये ट्रैक जो है यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये ख़राब था तो इसको मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है अभी। तो अभी हम इसको पहले एक बार आपको ऑन करके दिखाते हैं। तो गाइस, ये मेरा पावर सप्लाई का 12 वोल्ट सप्लाई में यहाँ पर लेके आया हूँ। ओके, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, अभी मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ। ओके, यहाँ पर RPM लिमिट का जो लाइट रहता है यहाँ पर ब्लिंकिंग कर रहा है। अभी मीटर तो यहाँ पर ऑन तो हो चुका है। ठीक है, मीटर अभी यहाँ पर ऑन हो चुका है। अभी हमें इसके यहाँ पर एक एक फंक्शन को टेस्ट करते जाना पड़ेगा। ओके, देखिए रेगुलेटर है, अगर जिस कंडीशन में अगर यहाँ पर मीटर अगर ऑन नहीं होता है तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा। तो 5 वोल्ट भी आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, देखिए। तो गाइस, यहाँ पर हमने मीटर को DC रेंज पर सिलेक्ट कर लिया है, DC वोल्टेज। ओके, ये अपना ऑटो रेंज मल्टीमीटर है, ये हमने अभी अभी बाय किया है। इसका वीडियो अगर आपको देखना है तो इसका वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ऐसा मीटर अगर बाय करना चाहते हो तो इसका वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसकी वीडियो में हमने ये सभी फंक्शन अच्छे से टेस्टिंग करके दिखाए हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसकी वीडियो में, तो जा करके वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो मीटर का नेगेटिव प्रॉब हम लगाएंगे, नेगेटिव में अभी हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलेगा जो इसका VCC वो। ओके, देखिए 11 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पर पॉजिटिव वायर में लगाता हूँ, देखिए ये अपना VCC वोल्टेज है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, अभी इसका आउटपुट में हमें यहाँ पर 5 वोल्ट चाहिए, तो ये आउटपुट पे आपको यहाँ पर 5 वोल्ट मिल जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर ये वोल्ट अगर नहीं मिलेगा तो आपका मीटर यहाँ पर ऑन नहीं होगा। ओके, क्योंकि यही से 5 वोल्ट ये इस वाले IC को जाता है, ये इसका मेन CPU है और ये मेमोरी IC, इसको भी ये जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनको चलाने का काम करता है। अभी गाइस, हम इसके यहाँ पर एक एक पॉइंट को टेस्ट करेंगे। अभी इसके एक एक पॉइंट किस प्रकार से टेस्ट करने हैं ये भी मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर इस वाली लाइट को चेक करते हैं। तो ये जो है इसका इंडिकेटर का टर्न सिग्नल का ये LED है, तो ये कब यहाँ पर ग्लो करेगा? देखिए, टर्न सिग्नल के लिए यहाँ पर हमें पिन नंबर 17 और 18 जो पिन नंबर है, 17 और 18 पिन पर जब हम बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट देंगे तब हमारा यहाँ पर टर्न सिग्नल का LED यहाँ पर ग्लो करेगा। तो पिन नंबर 17 और 18 को हम पॉजिटिव वोल्टेज देके यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक वायर को कनेक्ट कर लिया है, येल्लो वायर को इस पॉजिटिव के साथ। अभी पिन नंबर 17 और 18 को हम यहाँ पर वोल्टेज इनपुट देके चेक करते हैं। तो देखिए, ये अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो देखिए, ये 1 के बाद ये 10 11 12 13 14 16 ये 17। तो अभी मैं 17 को यहाँ पर लगा के देखता हूँ, 11 12 13 14 15 16 17। तो देखिए गाइस, ये जो है ग्रीन लाइट थोड़ा सा यहाँ पर ब्लिंकिंग कर रहा है। ओके, तो ये जो है यहाँ पर ओके है, ये जो है शायद कनेक्शन ठीक से लग नहीं रहा है, इसलिए ये ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर शायद कर रहा है, या फिर LED भी ख़राब हो सकता है। देखिए इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर ग्रीन लाइट आप भी देख सकते हो। अब ये 17 के बाद ये 18 में भी देखिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ये इसका टर्न सिग्नल के लिए ये LED हो गया। गाइस, इसके बैक लाइट को चलाने के लिए हमें यहाँ पर पिन नंबर 3 पर बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, तब इसके यहाँ पर बैक लाइट जो है यहाँ पर चलने चाहिए। तो पिन नंबर 3 देखिए, ये 1 2 और ये 3। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर लगा के चेक करता हूँ। गाइस देखिए, ये जो है यहाँ पर नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये भी यहाँ पर इसका फॉल्ट है। तो ये अभी इन सभी फॉल्ट को हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। ओके,
अभी यहाँ पर ये जो हाई बीम का जो इंडिकेटर रहता है ब्लू कलर का, उसको चेक करने के लिए आपको वापस बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज पिन नंबर 13 में इनपुट देना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हाई बीम का लाइट चलेगा। वैसे ही सेम ग्राउंड के साथ में हमें एक वायर लगा के हमें बाकी फंक्शन भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे साइड स्टैंड, फ्यूल मीटर, न्यूट्रल लाइट और इसका किलोमीटर का जो सेंसिंग रहता है, ये सभी फंक्शन हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो किलोमीटर का फंक्शन चेक करने के लिए हमें बैटरी का नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर पिन नंबर 16 में देना पड़ेगा। न्यूट्रल लाइट का फंक्शन चेक करने के लिए हमें यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर पिन नंबर 19 में देना पड़ेगा। वैसे ही फ्यूल मीटर को चेक करने के लिए हमें बैटरी का नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर पिन नंबर 15 में इनपुट देना पड़ेगा। और साइड स्टैंड का फंक्शन चेक करने के लिए, साइड स्टैंड एलईडी चेक करने के लिए हमें बैटरी का नेगेटिव वोल्टेज पिन नंबर 14 में इनपुट देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप सभी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई इनपुट यहाँ पर एक एक पिनों को चेक करके आप इस प्रकार से सभी लाइटें, सभी इसके फंक्शन चेक कर सकते हो। यहाँ पर किलोमीटर और इसका फ्यूल मीटर चेक करने के लिए हमें डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारा डिस्प्ले यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला हो चुका है, तो उसको भी हमें यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं पहले ठीक कर लेता हूँ। गाइस वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। गाइस फाइनली हमने मीटर को यहाँ पर फिटिंग कर लिया है। गाइस इसका हमने जो कुछ भी प्रॉब्लम था इसमें हमने सब कुछ यहाँ पर शॉर्ट आउट कर लिया है। इसका डिस्प्ले का भी हमने यहाँ पर काम किया है। कस्टमर जो है मेरे को थोड़ा सा जल्दी से इस मीटर की मांग कर रहा था, इसीलिए मैंने इसका डिस्प्ले किस प्रकार से रिपेयर करना है ये मैंने आपको दिखाया नहीं। और गाइस इसका डिस्प्ले ठीक करने के लिए हमें एक पोलराइजर फिल्म की ज़रूरत पड़ती है। इस टाइप का होता है एक पोलराइजर फिल्म, तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। इसी को यूज़ करके हम इसका डिस्प्ले को यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। तो मेरे पास ये अवेलेबल था नहीं, तो इसके अंदर मैंने जो पोलराइजर यहाँ पर चेंज किया है वो मैंने एक पुराने मोबाइल के डिस्प्ले से मैंने निकाला था, स्मार्टफोन के डिस्प्ले से आपको मिल सकता है। वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा किस प्रकार से आप पुराना स्मार्टफोन का डिस्प्ले जो रहता है उसका पोलराइजर यूज़ कर सकते हो मीटर के अंदर, या फिर कोई और पोलराइजर फिल्म लेके किस प्रकार से डिस्प्ले को हम रिपेयर कर सकते हैं वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। मेरे पास अगर कोई दूसरा मीटर आता है रिपेयरिंग के लिए तो उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमने इसका डिस्प्ले का काम किया है, इसका पोलराइजर हमने चेंज किया है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर इंडिकेटर लाइट और न्यूट्रल लाइट का जो ग्रीन लाइट था तो ये लाइटें दोनों यहाँ पर ख़राब हो चुके थे वाटर डैमेज की वजह से, तो इन दोनों को भी हमने यहाँ पर चेंज किया है। यहाँ पर हमने अलग टाइप के SMD LEDs को यहाँ पर लगा दिया है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास कुछ और SMD LEDs पड़े हुए थे, तो यहाँ पर मेरे पास ये कुछ SMD LEDs यहाँ पर थे ग्रीन कलर के, तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिए हैं। ये छोटे वाले आप देख सकते हो वाइट कलर के डॉट, तो इन दोनों को यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है, इंडिकेटर लाइट और न्यूट्रल लाइट, ठीक है। अभी मैं आपको मीटर भी चला के दिखाता हूँ, तो चलिए अभी मैं आपको मीटर चला के दिखाता हूँ। तो इसको मैं ऑन करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मीटर ऑन हो चुका है, देख सकते हो आप इसका डिस्प्ले, अभी पहले से इसमें काफ़ी सुधार आ चुका है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, ओके। तो गाइस यहाँ पर मेरे पास इसका कनेक्टर था नहीं, तो यहाँ पर मैंने वायर को डायरेक्टली सोल्डर कर लिया है, ओके, पीछे की साइड में। तो गाइस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक ले बाबा एंड टेक केयर।